ओके बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के दो मेथड को हम लोगों ने मेंशन किया था, ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर और स्क्रबर। इसमें गंदे हवा को इधर से पास किया जाता था, डस्ट पार्टिकल्स में जो डस्ट पार्टिकल्स इस इलेक्ट्रोड वायर से गुजरता था तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता था, इस ग्राउंड कलेक्टिंग प्लेट के साथ ये चिपक जाता था क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से चिपक जाता था यहाँ पे क्लीन एयर का। और स्क्रबर इसी तरह का एक मेथड था जिसमें गैसेस का जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का रिमूवल प्रोसेस किया जाता था, डर्टी एयर को इधर से पास किया जाता था और इधर से वाटर और लाइम को एंट्री किया जाता था। डर्टी एयर में सल्फर ऑक्साइड है ना अमाउंट में ज़्यादा होता है, तो ये जो है लाइम वाटर के साथ इस तरह से कंबाइन होकर कैल्शियम सल्फेट बना के ये नीचे की तरफ जमा हो जाता था और ऊपर की तरफ फ्रेश एयर इस तरह से रिलीज़ होता था। ये दो मेथड हम लोगों ने देखा था। आज के क्लास में कंट्रोल ऑफ वहीकुलर एयर पोल्यूशन को हम लोग मेंशन करेंगे, है ना, जो व्हीकल्स के थ्रू एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के मेथड को देखेंगे। कंट्रोल ऑफ वहीकुलर एयर पोल्यूशन, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या उपाय किए हैं जिससे व्हीकल से जो खतरनाक हवा निकलती है, जहरीली एयर निकलती है, उससे कैसे कंट्रोल पाया जा सके। तो यहाँ पे कुछ सिटीज़ को मेंशन किया गया, 1990 में, 1990 में 41 सिटीज़ को वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, कितना 41 सिटीज़, उनमें से दिल्ली का सर्वे किया गया तो फोर्थ पोजीशन में कौन, दिल्ली को रखा गया। व्हीकल्स के थ्रू दिल्ली में जो एयर गंदा होता था, एयर पोल्यूटेड होता था, उसका रैंक कितना था, फोर्थ रैंक में था, फोर्थ पोजीशन दिल्ली का था। 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में दिल्ली का पोजीशन कितना, फोर्थ पोजीशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशन के थ्रू यहाँ पे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशन पील के थ्रू दिल्ली में यह फोर्थ पोजीशन में कितना खतरनाक है, है ना। दैट मीन्स फोर्थ पोजीशन में दिल्ली है, इंडिया का फोर्थ पोजीशन सिटीज़ में आता है। तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशन के थ्रू यहाँ पे कुछ बदलाव किया गया व्हीकल्स में, बसेस वगैरह में, ऑटो वगैरह में डीजल जो यूज़ होता था, पेट्रोल जो यूज़ होता था, उसके जगह पे CNG अप्लाई किया गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एप्लीकेशन किया गया। डीजल के जगह CNG का एप्लीकेशन किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि CNG एक तो बहुत सस्ता है, चीपर फ्यूल्स है, दूसरा ये जो CNG है ये जो बर्न होता है इफ़िशियंटली बर्न होता है, बर्न इफ़िशियंटली, नॉट सिफोन, नॉट अल्टरेट, डू नॉट सिफोन एंड डू नॉट
एडल्टरेट, सिर्फ यहाँ पे जो दिक्कत होती है सीएनजी के लिए, सीएनजी को ओनली पाइपलाइन के थ्रू ही हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ गया, डीजल के जगह पेट्रोल के जगह सीएनजी का यूज़ किया गया बसेस वगैरह में, ऑटो रिक्शा वगैरह में। बट सीएनजी में प्रॉब्लम कहाँ पे आता था, प्रॉब्लम आता था इसको कैरी करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो इसके लिए लेइंग ऑफ पाइपलाइंस होना चाहिए। पाइपलाइंस के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे इसको कैरी कर सकते हैं, तो ये दिक्कत थी। अब यहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक और टेक्निक अपनाया गया, कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ किया गया। किसका? कैटालिटिक कन्वर्टर का। कैटालिटिक कन्वर्टर में एक्चुअली क्या यूज होता था, ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है इसको व्हीकल्स के अंदर क्या किया जाता है, इनसाइड व्हीकल्स इसको डाला जाता है, और व्हीकल्स के अंदर जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं वो हार्मफुल गैसेस को इसमें क्या किया जाता था, हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, जो हार्मफुल गैसेस है उसको हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्ट को व्हीकल्स के अंदर इनसाइड व्हीकल्स यूज़ किया जाता है, यूज्ड इनसाइड व्हीकल्स। अब कैटालिटिक कन्वर्टर्स की अगर बात किए तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स में हैवी मेटल्स होता है। क्या होता है? हैवी मेटल्स होता है, हैवी मेटल्स का यूज़ किया जाता है। उनमें से तीन मेटल्स यहाँ पे मेंशन करते हैं, एक होता है प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। दूसरा है प्लेडियम, प्लेडियम। और तीसरा यहाँ पे हैवी मेटल्स रोडियम को यूज़ किया है, रोडियम। इस तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर में हैवी मेटल्स का यूज़ किया है, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, ये तीन मेटल्स हैवी मेटल्स है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर का काम करेगा, इनसाइड व्हीकल्स इसको यूज़ किया जाता है, और ये जो तीन हैवी मेटल्स है ये परफॉर्म करता है सेवरल केमिकल रिएक्शन इनसाइड व्हीकल्स। किस तरह का? दे परफॉर्म सेवरल केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, सेवरल केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें किस तरह से ये कन्वर्टर हार्मफुल गैसेस को, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। ये हार्मफुल गैसेस है, ये हार्मलेस गैसेस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा किसमें? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, N2 एंड O2 में इसको कन्वर्ट करेगा, हार्मफुल गैस हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करेगा। कौन? कैटालिटिक कन्वर्टर। किसमें यूज़ होता है? व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ओके, हाइड्रोकार्बन में, जैसे हाइड्रोकार्बन को ये किसमें कन्वर्ट करेगा? हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में इसको कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स इसका काम क्या हो गया, टॉक्सिक को टॉक्सिक लेस में, दैट इज टॉक्सिक सब्सटेंस को ये टॉक्सिक लेस में कन्वर्ट करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट किस में करेगा, टॉक्सिक लेस में ये कन्वर्ट करेगा। इस तरह से बात समझ में आया।
41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में दिल्ली का पोजीशन 4th पोजीशन। पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन के थ्रू यहाँ पे बसेस में क्या किया गया, डीजल पेट्रोल के जगह पे सीएनजी का यूज़ किया गया। सीएनजी हर तरह से कंफर्ट है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको पाइपलाइन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस तरह से हम लोग है ना, जैसे टैंक में भर के कहीं नहीं ले जा सकते हैं, पाइपलाइन के थ्रू ही ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक दिक्कत ये थी, प्रॉब्लम यहाँ पे था, ओके। और ये यहाँ पे दूसरा जो हम लोग यूज़ किए हैं कैटालिटिक कन्वर्टर का, यह कैटालिटिक कन्वर्टर में प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम तीन हैवी मेटल्स है, इसका यूज़ किया गया। ये हैवी मेटल्स व्हीकल्स के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन है ना, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक गैसेस है, इसको टॉक्सिक लेस में कन्वर्ट करता है ना। अब यहाँ पे ये जो बाइक गाड़ी के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है, इसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या किया जाता है, ये इनएक्टिवेट ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, अनलीडेड पेट्रोल डीजल का यूज़ किया जाता है, नहीं तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, सेवरल केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अनलीडेड पेट्रोल का फ्यूल का यूज़ किया जाए जिसमें लेड प्रेजेंट ना हो, है ना। ये इसको क्या कर देगा, लेड हैवी मेटल्स को इनएक्टिवेट कर देगा, ओके। तो एक लाइन हम लोग लिखेंगे, इन दैट केस अनलीडेड है ना, अनलीडेड पेट्रोल डीजल है ना एज ए फ्यूल होगा, क्या करेंगे, इन दैट केस अनलीडेड पेट्रोल क्या करेंगे, शुड बी यूटिलाइज, शुड बी यूटिलाइज, इस तरह से करेंगे। बिकॉज लेड क्या करेगा, ये जो लेड होगा पेट्रोल डीजल में, ये क्या कर देगा, इनएक्टिवेट द हैवी मेटल, ये हैवी मेटल को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, जिस वजह से क्या होगा, ये जो सेवरल केमिकल रिएक्शंस होती है ये नहीं हो पाएगा, ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स टॉक्सिक लेस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ओके। कुछ नॉर्म्स हम लोग देखेंगे, यूरो नॉर्म्स सेकेंड, यूरो नॉर्म्स थर्ड है ना, जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लागू किया गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ओके। थैंक यू।